हेलो दोस्तों, डीएमसी सिविल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लेंथ के अकॉर्डिंग यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। यूनिट कन्वर्जन जैसे सेंटीमीटर को एमएम में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, एक मीटर 1000 एमएम, एक फुट, इस टाइप से मैं आपको आज यूनिट कन्वर्जन बताऊँगा। हमें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी पता करनी है तो वो हमें सेंटीमीटर में, मीटर में, फुट में, या गज में, या किलोमीटर में, या माइल में, हम इसे इसके अकॉर्डिंग हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी का पता लगाते हैं, जो हमें लेंथ के अकॉर्डिंग आता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर = 10 mm होता है, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 mm होता है, 1 फुट = 12 इंच, 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 3.28 फिट होता है, 1 यार्ड में 3 फिट होता है, यानी ये 1 यार्ड 1 गज होता है, 1 गज में 3 फुट होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 माइल जो होता है वो 1609 मीटर होता है, और 1 मीटर में 1.093 यार्ड होते हैं। तो मैं अभी इन सभी चीज़ों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं एक एक करके सभी को बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले लेता हूं 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 1000 mm होता है। 1000 mm कैसे होगा? अगर यदि एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं तो 100 सेंटीमीटर में 1000 mm, मतलब देखा जाए 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर = 10 mm, 10 mm है, तो 100 सेंटीमीटर * 10 = 1000 mm, ये ऐसे निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, 1 फुट = 12 इंच, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, मतलब देखिए 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 1 इंच में कितना हो जाता है? 2.54 सेंटीमीटर। अगर हम बोलें कि 1 फिट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो देखिए इसे ऐसे निकालेंगे, 1 फिट = सेंटीमीटर, तो 1 फिट में होते हैं 12 इंच, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो इसका कर देंगे 12 × 2.54, तो इससे हमारा निकल आएगा 30.48 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हुआ, 1 फिट में कितने सेंटीमीटर अगर हमें निकालना हो, तो 1 फिट में कितना इंच होता है? 12 इंच, तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर, तो इसका 12 इंच में हम सेंटीमीटर, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में निकल जाएगा, मतलब 1 फिट = 30.48 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी निकल गया अपना, 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 फिट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, 1 मीटर = 3.28 फिट होता है, ये याद रखना है आपको, और 1 गज = 1 यार्ड में आपका होता है 3 फुट, 1 गज में 3 फुट, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, 1 माइल में 1609 मीटर होता है, मतलब इसको 1609.34 भी पढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट है एक मीटर, एक मीटर में 1.093 यार्ड होता है, देखिए 093 यार्ड, और यहाँ पे क्या है एक यार्ड, एक गज में 3 फीट, मतलब एक मीटर में अपना हो जाएगा 1.093 यार्ड। ओके नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 1.905 मीटर, तो हमें अगर पूछ लिया कि इसमें कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है और कितना एमएम है, तो हम इसे कैसे बताएंगे, तो बताते हैं इसे 1 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर और ये 5 एमएम, ये जो डिफ़ाइन करेगा ये मीटर को डिफ़ाइन करेगा, ये जो है ये सेंटीमीटर को डिफ़ाइन करेगा और ये जो है मीटर को डिफ़ाइन करेगा। नेक्स्ट इसमें अगर देखें 10.150, इसमें 10 जो है ये मीटर को डिफ़ाइन करेगा और 15 जो है ये अपना सेंटीमीटर को डिफ़ाइन करेगा और ये 0 एमएम है। अगर हम इसे एमएम में लिखें, अगर हम इसी को एमएम में लिखना चाहें, जैसे एमएम में लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.50 एमएम, ये ओके।